बिग बॉस में रॉकी और रानी कौन है? ओके एक तो मैं कहूंगी आई थिंक एल्विश मुझे बहुत रॉकी लगते हैं, क्योंकि जैसे वो बात करते हैं और उनका जो अंदाज है, सिस्टम है, जैसे वो बोलता है, और इट्स वेरी एंटरटेनिंग. ही रियली वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव एंड ही इज वेरी फनी. मुझे तो बहुत पसंद है. तो एल्विश कैन बी रॉकी. मनीषा रानी को हम लोग रानी बना देते क्योंकि उसके नाम में रानी भी है. बिग बॉस OTT 2 अब बड़ी ही तेजी से फिनाले की तरफ बढ़ रहा है. अगले महीने यानी अगस्त के मिड में शो का फिनाले होने जा रहा है. ऐसे में अब आए दिन घर वाले अपना गेम दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग करते नजर आ रहे हैं. इस शो में यूट्यूबर से लेकर फिल्मी और कई टीवी स्टार्स भी शामिल है. ये शो लाखों करोड़ों लोगों की पसंद बन चुका है. आम जनता से लेकर फिल्मी सितारे भी बिग बॉस OTT 2 के दीवाने हो रहे हैं. हम बात कर रहे हैं आलिया भट्ट की. जी हाँ, आलिया भट्ट इन दिनों फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी को लेकर चर्चा में है. इस बीच उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मनीषा रानी और एल्विश यादव को रॉकी और रानी का टैग वे देती हैं. चंडीगढ़ में आलिया अपनी अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का प्रमोशन करने पहुंची. वहीं उनसे किसी ने सवाल किया कि बिग बॉस के घर में वो किन्हें रॉकी और रानी की तरह देखती हैं. इस पर आलिया ने कहा कि एक तो मैं कहूंगी कि एल्विश मुझे बहुत रॉकी लगते हैं. जैसे वो बात करते हैं, जो उनका अंदाज है, जैसा वो बोलते हैं, वो बहुत एंटरटेनिंग है, वो बहुत फनी है, मुझे तो बहुत पसंद है. तो एल्विश इस शो का रॉकी है और मनीषा रानी को हम रानी बना देते हैं क्योंकि उसके नाम में रानी भी है और मुझे लगता है कि उनकी जोड़ी काफ़ी क्यूट लगती है. वेल, आपका क्या कहना है बिग बॉस रॉकी और रानी की जोड़ी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें. बिग बॉस OTT से जुड़ी हर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बिग बॉस OTT 2 सीजन 2 की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें.